नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने अलग अलग कोर्सेज के बारे में अपने इंडेक्स बताए हैं और पूछा है कि सर, क्या मेरा एडमिशन इतने नंबर पर इस कोर्स में हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं सारे लोगों के प्रश्नों का जवाब यानी अलग अलग कोर्सेज का जवाब एक वीडियो में नहीं दे सकता, क्योंकि यह संभव ही नहीं है। मैं आज जो कट ऑफ की बात करूंगा, यानी मैं जिस कोर्स की बात करूंगा, वह बीए सोशल साइंस कट ऑफ के बारे में मैं आज के वीडियो में बात करूंगा। यानी आज की वीडियो में बताऊँगा कि कितने मिनिमम कट ऑफ तक आपका एडमिशन बीए सोशल साइंस में बीएचयू मेन फैकल्टी यानी एफएमसी महिला महाविद्यालय और बाहर के चार जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी और जो डीएबी पीजी कॉलेज है, इसमें होने की कितनी संभावना है। जिस कोर्स को मैं आज नहीं बता पा रहा हूँ, मैं उस कोर्स के बारे में अपने अगले वीडियो में बात करूँगा। बीए सोशल साइंस में बहुत सारे बच्चों ने अपना नंबर लिखा है और पूछा है कि सर, क्या इतने इंडेक्स पर हमारा एडमिशन बीएचयू मेन डिपार्टमेंट या एफिलिएटेड कॉलेजेस में हो सकता है। जैसे मैं कुछ लोगों का नाम लूं तो ऋषभ जी 210 नंबर, श्रद्धा सिंह 202, हर्ष त्रिपाठी 264, तनिष राठौर 205, सत्यम सिंह 277, एके 250, आर्थ पटेल 205, अनूप कुमार 194, आयुष यादव 280, अनूप कुमार 194, सोनाली भोई 126, प्रिंस कुमार 273, प्रीति वर्मा 228, आफ शर्मा 180, राजा 205, दुर्गेश 236 के साथ साथ कई बच्चों ने अपने नाम के साथ इंडेक्स बताते हुए अपने एडमिशन की संभावना जानना चाहा है कि क्या हमारा एडमिशन बीएचयू में बीए सोशल साइंस में हो सकता है। मैं आप सभी लोगों के प्रश्नों का जवाब अलग अलग न दे करके मैं आज की वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि बीएचयू मेन फैकल्टी से लेते हुए, महिला महाविद्यालय से लेते हुए, बाहर के चारों एफिलिएटेड कॉलेजेस में मिनिमम कितने कट ऑफ पर एडमिशन इस बार बीए सोशल साइंस में हो सकता है। यह कट ऑफ जो मैं अभी आपसे बात करूंगा, यह 2022-23 के कट ऑफ पर आधारित है। यानी एक संभावना मैं व्यक्त करूंगा कि इतने से इतने नंबर रहेगा तो आपका एडमिशन हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले बात करूं एफएमसी में यानी मेन डिपार्टमेंट में, तो मेन डिपार्टमेंट में यदि जनरल कैटेगरी के आप हैं तो पिछले बार मेन डिपार्टमेंट जनरल कैटेगरी में 337 नंबर यानी 84% मिनिमम पर एडमिशन हुआ था, मिनिमम कट ऑफ गया था। तो इस हिसाब से अगर इस बार आपका नंबर 290 से लेकर के 300 के बीच है, 290-300 के बीच है, तो आपका एडमिशन होने की पूरी संभावना है एफएमसी में। वहीं अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो पिछले बार 324 नंबर पर एडमिशन हुआ था, यानी 81% वाले इंडेक्स वालों का एडमिशन हुआ था। इस हिसाब से यदि आपका नंबर 240 से लेकर के 250 के बीच में है तो निश्चित रूप से आपका एडमिशन भी बीए सोशल साइंस ओबीसी कैटेगरी में मेन डिपार्टमेंट यानी एफएमसी में हो सकता है। वहीं एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ था पिछले बार 282 नंबर गया था, यानी लगभग 70% वालों का एडमिशन हुआ था मिनिमम। तो इस हिसाब से अगर 220 से लेकर के 230 नंबर इस बार आपका है तो आपका एडमिशन भी एससी कैटेगरी में हो सकता है। वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें तो पिछले बार 229 यानी 57% तक एडमिशन हुआ था। इस हिसाब से अगर आपका नंबर 200 से लेकर के 210 के बीच है तो आपका भी एडमिशन मेन डिपार्टमेंट में हो सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो पिछले बार मिनिमम 323 पर एडमिशन हुआ था,
यानी 80% के आसपास एडमिशन हुआ था पिछली बार। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर 280 से लेकर 290 के बीच आपका इंडेक्स है तो आपके भी एडमिशन मेन कैंपस में होने की पूरी संभावना है। वहीं पेड सीट में यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो पिछले बार 324 यानी 81% पर एडमिशन हुआ था, तो इस हिसाब से अगर 275 से लेकर के 285 नंबर है तो आपका एडमिशन पेड सीट में BHU मेन कैंपस में हो सकता है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि पेड सीट में कोई कैटेगरी नहीं होती है, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता है इंडेक्स। उस इंडेक्स में किसी भी कैटेगरी का बच्चा आता है तो वो पेड में एडमिशन ले सकता है। अब वहीं जल्दी से अगर हम MMB के बारे में बात करें, BHU महिला महाविद्यालय के बारे में बात करें, और इसमें कैटेगरी अगर जनरल लें तो पिछले बार महिला महाविद्यालय में जनरल कैटेगरी का जो मिनिमम जो इंडेक्स था वह 323 गया था, यानी 80% पर एडमिशन हुआ था। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 240 से लेकर के 250 तक नंबर यदि आपका है तो उस कंडीशन में महिला महाविद्यालय आपको मिल सकता है। एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे और बता दूँ कि महिला महाविद्यालय में सिर्फ लड़कियों का एडमिशन होता है, यानी यह महिला महाविद्यालय का जो कट ऑफ है वह सिर्फ लड़कियों के लिए लागू होता है। तो यदि आपका नंबर 240 से लेकर के 250 है तो आपका एडमिशन महिला महाविद्यालय में हो सकता है जनरल कैटेगरी में। वहीं OBC की बात करें तो 302 मिनिमम कट ऑफ गया था, यानी 75% पर एडमिशन पिछली बार हुआ था। इस लिहाज से 260 से लेकर 270 नंबर इस बार यदि आपका है तो आपका OBC कैटेगरी में महिला महाविद्यालय में एडमिशन हो सकता है। वहीं अगर SC कैटेगरी की बात करें तो 254 नंबर पर यानी 63% पर एडमिशन पिछली बार हुआ था। तो इस हिसाब से अगर 210 से लेकर के 220 नंबर के बीच यदि आपका है तो आपका एडमिशन महिला महाविद्यालय में हो सकता है। वहीं अगर ST कैटेगरी की बात करें तो पिछली बार 53% पर एडमिशन हुआ था, यानी 212 नंबर पर एडमिशन हुआ था। तो इस लिहाज से अगर 190 से लेकर के 200 के बीच इंडेक्स आपका आया है तो आपका एडमिशन भी पूरी संभावना है कि महिला महाविद्यालय में हो जाएगा। वहीं EWS कैटेगरी की बात करें तो पिछले बार 76% यानी 76% पर एडमिशन हुआ था, मिनिमम कट ऑफ गया था, यानी 305 नंबर तक को एडमिशन लेने का मौका दिया गया था। इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार यदि आपका 260 से 270 नंबर है तो आपको भी महिला महाविद्यालय में EWS कैटेगरी में एडमिशन मिल सकता है। वहीं अगर पेड सीट की बात करें तो पिछली बार जो एडमिशन हुआ था पेड में वो 78% तक हुआ था, यानी 315 नंबर तक हुआ था। तो यदि आप पेड सीट में एडमिशन महिला महाविद्यालय में लेना चाहती हैं तो आपका एडमिशन 270 से 280 तक हो सकता है। वहीं जल्दी से अगर हम बात करें VKM, VCW और AMPG जो बाहर एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, महिला महाविद्यालय हैं, इन तीनों महिला महाविद्यालयों का कट ऑफ मैं अलग अलग नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें काफ़ी समय लगेगा। मैं इन सभी तीनों कॉलेजेस में जो मिनिमम कट ऑफ गया था उस मिनिमम कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूं, यानी VKM, VCW और AMPG में पिछले बार मिनिमम इन तीनों कॉलेजेस में मिलाकर के सबसे लोवेस्ट जो कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का वह 236 यानी 236 गया था, यानी 59% मिनिमम इंडेक्स पर एडमिशन हुआ था पिछली बार। इस हिसाब से एफिलिएटेड कॉलेजेस में यानी महिला महाविद्यालयों में आपका एडमिशन 205 से 210 नंबर के बीच है तो होने की पूरी संभावना है। जबकि अगर OBC कैटेगरी की बात करें तो पिछले बार 217 मिनिमम कट ऑफ गया था, यानी 54% पर एडमिशन हुआ था। तो इस हिसाब से यदि आपका नंबर 190 से लेकर के 200 के करीब है तो निश्चित रूप से आपका एडमिशन इन तीनों कॉलेजेस में से किसी न किसी कॉलेज में हो जाएगा। और वहीं SC कैटेगरी की बात करें तो पिछले बार SC कैटेगरी का एडमिशन मात्र 45 नंबर पर हुआ था, यानी मिनिमम कट ऑफ 45 नंबर गया था, 45 नंबर पर एडमिशन हुआ था, यानी मात्र 12% नंबर पर एडमिशन SC कैटेगरी का हुआ था। इस हिसाब से यदि इस बार आपका नंबर 350 में से 40 से 50 के बीच भी है तो आपको कोई न कोई महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड कॉलेज मिल जाएगा। वहीं हम SC कैटेगरी की बात करें तो पिछले बार मिनिमम 55 यानी 55 कट ऑफ गया था, यानी 14% के आसपास
बच्चों को एडमिशन लेने का मौका मिला था, तो इस हिसाब से अगर आपका नंबर 50 से 60 के बीच है तो कोई ना कोई एफिलिएटेड महिला महाविद्यालय आपको मिल जाएगा। वहीं EWS की बात करें तो पिछले बार मिनिमम कटआफ आपका 210 गया था, यानी 52% के आसपास एडमिशन हुआ था। तो इस हिसाब से अगर आपका 180 नंबर से लेके 190 नंबर के बीच है तो इन तीनों कॉलेजेस में से कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा। और वहीं पेड की बात करें तो पिछले बार 195 नंबर पर यानी 49% पर पेड सीट में एडमिशन मिनिमम हुआ था। इस हिसाब से 160 से 170 नंबर के बीच है और यदि आप पेड सीट में इंटरेस्टेड हैं तो आपका एडमिशन होने की पूरी संभावना है। जाते जाते एक नज़र डाल लेते हैं DAV PG कॉलेज में होने वाले एडमिशन की संभावना पर। और पिछले बार DAV में DAV को एड है, यानी यहाँ पर लड़के और लड़कियों दोनों को एडमिशन लेने का मौका मिलता है। तो इस हिसाब से DAV का जो पिछले बार कटआफ गया था जनरल कैटेगरी का, वो 258 यानी 64% तक हुआ था। इस हिसाब से 220 से लेके 230 नंबर अगर है तब आपको एडमिशन DAV में मिल सकता है। वहीं अगर OBC कैटेगरी की बात करें तो पिछले बार 266 यानी 266 तक एडमिशन हुआ था, यानी 66% तक जो बच्चे नंबर पाए थे उनको एडमिशन लेने का मौका मिला था। तो इस हिसाब से अगर अनुमान लगाया जाए तो 230 से 240 नंबर के बीच यदि आपका नंबर है तो आपको एडमिशन लेने का मौका DAV में मिल सकता है। वहीं बात SC कैटेगरी की करें तो पिछले बार 206 यानी 51% मिनिमम गया था कटआफ, और इस हिसाब से इस बार 180 से 190 नंबर के बीच आपका नंबर होना चाहिए यदि आप DAV में भी एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं। बात SC कैटेगरी की करें तो पिछले बार 117 नंबर तक एडमिशन हुआ था SC कैटेगरी में, यानी मात्र 30% तक एडमिशन हुआ था DAV में SC कैटेगरी का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 100 नंबर से लेकर के 110 नंबर के बीच आपका है इंडेक्स है, तो इस कंडीशन में आपका एडमिशन DAV में हो सकता है। बात EWS की कैटेगरी की करें तो 268 यानी 67% पर पिछली बार एडमिशन हुआ था। तो इस हिसाब से 230 से लेकर के 240 नंबर इस बार यदि आपने पाया है तो आपका एडमिशन DAV में श्योर है, निश्चित है। वहीं अगर बात पेड सीट की करें DAV में तो 252 नंबर पर हुआ था, यानी 63% पर हुआ था। तो इस हिसाब से अगर 220 से लेकर के 230 नंबर के बीच है और यदि आप DAV में भी एडमिशन लेने के लिए पेड में इंटरेस्टेड हैं तो आपको एडमिशन लेने का निश्चित रूप से मौका मिल सकता है। मैंने ये सारे कटआफ, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, मैंने पिछली बार 2022-23 में जो कटआफ बना था उस कटआफ के आधार पर इस बार बनने वाले कटआफ के बारे में एक संभावना व्यक्त की है। मैं अगले वीडियो में किसी दूसरे कोर्स के कटआफ के बारे में बताऊंगा। जाते जाते एक महत्वपूर्ण सूचना ये कि मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है, फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो BHU द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि यह BHU की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने 14 साल के अनुभवों के आधार पर और ख़ास तौर से जो पिछली बार से CUET जो पैटर्न है लागू हुआ है उसके कटआफ के आधार पर आपके समक्ष एडमिशन से संबंधित कटआफ बताने की कोशिश की है। इसके साथ ही साथ यदि आपके कोई और सवाल हैं तो आप निश्चित रूप में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। जिनका सवाल मैं नहीं ले पाया हूँ उनके सवाल को मैं अगले वीडियो में लेने की कोशिश करूंगा। BHU से संबंधित यदि कोई आप विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो BHU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है bhuonline.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं निश्चित रूप से आपके साथ साझा करता रहूंगा। और तब तक आप अपना प्रेफरेंस, आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए। आप सभी लोग खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। आप सभी को आपके एडमिशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ।